एक्स टी इज इक्वल टू एक्स नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी, और टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और एक्स नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। पहला क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज द पार्टिकल स्टार्ट एंड विथ वॉट वेलोसिटी, पार्टिकल कहां से स्टार्ट करेगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल कब स्टार्ट करेगा, जब टाइम टी इक्वल टू जीरो, यानी टाइम जब स्टार्ट करेंगे टी इज इक्वल टू जीरो पर स्टार्ट करेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो वी नो दैट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी। एक्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है। तो डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी। अब ये एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो एक्स नॉट बाहर आ गया, बचा डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी। फिर ये हो गया एक्स नॉट डी बाई डी टी ऑफ वन माइनस डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस गामा टी। तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, बचेगा यहां से v इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये हो जाएगा जीरो, और e टू द पावर माइनस गामा टी का हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस गामा टी और d बाई डी टी ऑफ माइनस गामा टी। इधर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहां पर x नॉट जीरो हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस गामा टी और d बाई डी टी ऑफ माइनस गामा टी। x नॉट e टू द पावर माइनस गामा टी इंटू माइनस गामा, ये हो जाएगा x नॉट, मैं लैम्डा क्यों लिख दे रहा हूं बार बार, हर जगह लैम्डा ही लिख दिया मैं, हालांकि लैम्डा से कोई फर्क नहीं पड़ता आप गामा लिखो या लैम्डा लिखो। यहां पर ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ जाएगी, हमने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो अगर हमसे वेलोसिटी पूछे टी इक्वल्स टू जीरो पर, यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो टी इक्वल्स टू जीरो पर आप इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। यहां पर टी इक्वल्स टू जीरो पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, जैसे टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एक्स नॉट गामा स्क्वायर नहीं होगा यहां पर गामा माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी, टी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो होने पर क्या होता है वैल्यू वन हो जाती है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी को हम वी नॉट से लिख देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी एक्स नॉट गामा, इट्स योर इनिशियल वेलोसिटी। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा कि टी इक्वल्स टू जीरो पर स्टार्ट होगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये होगी, ये विथ दिस वेलोसिटी बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन, इस वेलोसिटी से बॉडी अपने मोशन को स्टार्ट करेगी, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गया है, इसमें लिखा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स टी वी टी ए टी एंड शो दैट एक्स टी एंड ए टी इंक्रीज विथ टाइम एंड वी टी डिक्रीज विथ टाइम, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक्स टी वी टी और ए टी इसको फाइंड कर लेते हैं, ये समझ में आ गया है, एक्स नॉट गामा, ये वी नॉट आया है हमारा, और ये समझ में आ गया होगा ये वाला एक्स नॉट इक्वल्स टू गामा। हाँ बोलो, कोई सर बोला अभी, बोलो बेटा, नहीं बोलना, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स टी की वैल्यू कितनी है, एक्स नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस गामा टी है,
नहीं दिख रहा है? अरे डेट दिख रही है बेटा हिमांशी, डेट नहीं दिख रही है आप लोगों को? इसको पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। अरे मैंने आवाज बोला ही नहीं रहा तो कहां से निकलेगी? तो देखो भाई, ये जो इक्वेशन था XT और VT, ये दो चीज हमें मिल गई, XT मिल गया और हमें VT मिल चुका है। एक तो आज का मौसम इतना खराब है कि लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो XT और VT हमें मिल चुका है, XT और VT हमें मिल चुका है, ठीक है। XT की वैल्यू कितनी आ गई है? XT इज इक्वल टू X0 1 माइनस दिया हुआ था, VT हमने फाइंड कर लिया डिफरेंशिएट करके, क्लियर है। अब AT निकालते हैं, यानी एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसको रफ कर रहे हैं हम, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो जल्दी से। एक्सेलरेशन फाइंड करें, फिर हम रफ करें। चलिए एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा d/dt ऑफ vt, यानी vt यानी क्या? वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, चलिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा यहां से? d/dt ऑफ VT की वैल्यू कितनी है? VT की वैल्यू कितनी है भाई? VT की वैल्यू यहां से देखिए, X0 गामा e^-γt। तो यहां से X0 गामा कॉमन आ गया और डिफरेंशिएट कर दिया हमने किसको? e^-γt को डिफरेंशिएट कर दिया। तो X0 गामा e^-γt तक लैम्डा 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 पता नहीं कहां से आ गया है माइंड में, और क्या कर दिया है? d/dt ऑफ -γt, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दिया। तो क्या मिल गया? इसको डिफरेंशिएट करेंगे माइनस गामा आ जाएगा, तो हो जाएगा -x0γ² e^-γt। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो XT हमें पता था, VT हमें फाइंड कर लिया हमने, और AT हमें फाइंड कर लिया। ये क्या निकला है? AT निकला हुआ है, एक्सेलरेशन एट टाइम t। इसमें -1 नहीं करते हैं? पावर में -1 क्यों नहीं करते हैं? क्यों माइनस करेंगे? कैसे क्यों करेंगे? कारण बताओ तो मैं बताऊं क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फॉर्मूले की बात कर रहे हो? कौन सा फॉर्मूला? इसकी बात कर रही हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये डिफरेंशिएट किसका हो रहा है? किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टी के या एक्स के रिस्पेक्ट में ना? यहां पर क्या है? टी के रिस्पेक्ट में। तो गामा को हम x की पावर n के फॉर्म में क्यों सॉल्व करेंगे? गामा कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, जो डिफरेंशिएशन होगा वो t का डिफरेंशिएशन होगा। तो गामा कांस्टेंट हो गया, माइनस गामा बाहर आ गया, माइनस गामा बाहर आएगा। t का डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, 1 आएगी वैल्यू, इसलिए माइनस गामा यहां पर आया, और ये गामा मल्टीप्लाई होकर गामा स्क्वायर हो गया, ठीक। चलो आगे देखो,
अब बात आ रही थी हमें XT, VT और AT की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी थी. वी हैव टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ XT, VT एंड AT. तीनों के मिनिमम और मैक्सिमम की बात करना था. तो मिनिमम T की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? जीरो. और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? इंफिनिटी. गुड. तो फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम व्हेन टी इक्वल्स टू जीरो एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या होगा? जब टी जीरो होगा तो एक्स टी क्या होगा? व्हेन टी इज इक्वल्स टू जीरो When t is equals to 0, then what is the value of xt? यहां पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पूरा 0 हो गया, यानी e की पावर 0. e की पावर 0 का मतलब 1, तो ये हो जाएगा x नॉट 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्या होगा? 0. इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, यानी जब t 0 तो x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? xt की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. यहां से अब हम सबकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? ये मिनिमम वैल्यूज लिख रहे हैं, पहला मिनिमम होगा, ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए t की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इंफिनिटी. तो xt की वैल्यू क्या आएगी? x नॉट 1 माइनस 0. भाई किसी भी नंबर की पावर अगर इंफिनिटी है तो उसकी वैल्यू 0 होती है. तो यहां पर e की पावर माइनस गामा इंफिनिटी. अब क्यों होती है, इसका कारण मैथ वाले सर से पूछ लेना, ठीक है? वो बताएंगे क्यों होती है. और यहां पर क्या मिल जाएगा आंसर हमें? x नॉट मिल जाएगा. दिख रहा है हिमांशी, तुमने अपना जो जूम का जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो फुल स्क्रीन पर किया है क्या? ओरिजिनल साइज कर लो, ओरिजिनल साइज करने से सही आएगा, अदरवाइज वो ऊपर का कट रहा है, इसी वजह से तुमने साइज गलत किया हुआ है. एक्सपेक्ट रेशियो पर जाना, मीटिंग सेटिंग में जा करके एक्सपेक्ट रेशियो पर जाना तो सही हो जाएगा. वो अपडेट किया होगा ना शायद तुमने. तो ये हो गई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बात. अब बात करते हैं VT की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. तो XT T equals to 0 पर VT की वैल्यू क्या होगी? T equals to 0 पर VT की वैल्यू देखिए, यहां पर हम 0 पुट करते हैं, यहां पर 0 पुट करते हैं तो X नॉट गामा मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? X नॉट गामा मिलेगा. और जब हम T की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं तो VT हमें क्या मिलेगी? VT हमें 0 मिलेगा. VT हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. देखो, दिख रहा है, यानी इंफिनिटी पर जाते जाते वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, यानी बॉडी रुक जाएगी. यानी क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा यहां पर? आगे बात देखते हैं. T इक्वल्स टू 0 पर देखिए AT कितना होगा, AT कितना होगा T equals to 0 पर? यहां पर देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आएगा माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर, माइनस एक्स नॉट गामा स्क्वायर. और T equals to इंफिनिटी पर क्या होगा? AT की वैल्यू 0 है ना. अब देखिए, ये हमारी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हो गई XT के लिए, XT, VT और AT की मिनिमम वैल्यूज. साथ में ये भी प्रूफ करना है, शो दैट XT एंड AT आर इंक्रीजिंग विथ टाइम. XT और AT जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं और VT जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ये भी आगे प्रूफ करना है. तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी. अब हमें ये शो करना है कि XT और AT जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. देखो, X की वैल्यू T 0 पर है टाइम के साथ,
टाइम बढ़ रहा है, यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है, सभी में हमने टाइम इंक्रीज किया है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टी इक्वल टू जीरो से टी इन्फिनिटी, टी इक्वल टू जीरो से टी इन्फिनिटी, टी जीरो से टी इन्फिनिटी। तो टाइम जब इंक्रीज कर रहा है तो हमने देखा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो एक्स जीरो से क्या हो गया, एक्स नॉट होगा, जीरो से एक्स नॉट, यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसमें जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और इसकी बात करें ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो एक्स नॉट गामा कुछ वैल्यू है और उसके बाद क्या हो गई, जीरो हो गई, और यहां पर भी ये माइनस में है, माइनस से जीरो हो गया, तो अगर कोई वैल्यू माइनस से जीरो में जाती है तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। कहां स्टार्ट, अभी किसी ने कुछ कहा भाई, प्रयाची गौतम मेरे ख्याल से, वो क्या नहीं लगा, अरे बेटा ये वैल्यू माइनस, मान लो माइनस पांच है, माइनस पांच से जीरो हो गया तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है भैया, माइनस पांच जीरो से छोटा होता है, तो माइनस पांच से अगर कोई वैल्यू माइनस पांच से जीरो हो जाएगी तो इट मींस इंक्रीजिंग हुआ ना, बस यही प्रूफ करना था कि इंक्रीजिंग है। और देख भी क्या हम लोगों ने, जैसे ही मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाली हमें पता चल गया ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। समझ में आया, रफ करें, चलिए रफ कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था हिमांशी तुम्हारा, उसमें ग्राफ बना हुआ था, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय एक्स टी माइनस टू टू द होल स्क्वायर, इसमें क्या नहीं समझ में आया था तुमको, बीच में तुमने सर्कल किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगाया, देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी पार्टिकल का x इज इक्वल टू t माइनस टू टू द होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है, वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज, पहले 4 सेकेंड में टाइम बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है वो आपको फाइंड करना है ना, पहले 4 सेकेंड के लिए। तो देखो इसका x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करने पर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने लगा दिया फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फंक्शन बन गया xt का। तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी, x d बाई डी टी ऑफ x ना, तो d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, इट मीन्स अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t माइनस 4 आता है, डिफरेंशिएट करके देख लेना 2t माइनस 4 आएगा। और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, d बाई डी टी ऑफ v, इट मीन्स d बाई डी टी ऑफ 2t माइनस 4, तो 2t माइनस 4 का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया, है ना, समझ में आया। वेलोसिटी इतनी मिल गई, ये मिल गया और डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है। अगर हम चाहें तो अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बता सकता है कोई, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, माइनस 4, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, क्यों, हाँ यहां पर देखिए वेलोसिटी का फंक्शन आपको पता है, वेलोसिटी का फंक्शन है ये 2t माइनस 4, और यहां पर t की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, माइनस 4 मिल जाएगा, तो u पता हो गया, a पता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम हमें दिया हुआ है फर्स्ट 4 सेकेंड का फाइंड करना है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, यू की वैल्यू माइनस फोर, टी की वैल्यू है फोर प्लस हाफ ए और टी की वैल्यू फोर, तो इट बिकम्स 16 प्लस हाफ इंटू टू, हाँ सॉरी माइनस 16 हो जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। हाँ डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कितना, तो फिर इसको ग्राफ से सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करना है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, अब हमें फाइंड करना होगा डिस्प्लेस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। हाँ क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है ना बेटा, अगर एक्सेलरेशन मोशन ना होता तो हम टी की वैल्यू पुट कर सकते थे, बट मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना यहाँ पर, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना बेटा, देखो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज ना हो रही होती, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होती तब रख सकते थे, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए इसको नहीं लगा सकते, डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा इसके लिए, इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो देखिए हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये टाइम है, ये वेलोसिटी, टाइम और वेलोसिटी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब देखो जब t इक्वल टू जीरो है तो वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू माइनस फोर, t इक्वल टू जीरो पर वैल्यू माइनस फोर है, t इक्वल टू जीरो v कितना है माइनस फोर है, अब t इक्वल टू टू पर देख लेते हैं तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा जीरो, और t इज इक्वल टू फोर पर v कितना हो जाएगा, फोर, वैल्यू पुट कर दो, जब टी की वैल्यू टू हो जाएगी, ये वन ये टू, तो वेलोसिटी जीरो, और टी की वैल्यू जब फोर हो जाएगी यहां पर, तो वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, फोर हो जाएगी, ऐसे यहां पर वेलोसिटी फोर। अब क्या करो, इसका एरिया निकाल लो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो, डिस्टेंस आ जाएगी, तो एरिया कितना निकलेगा, हाफ, बेस कितना होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू डिस्टेंस कितनी है, एट, और हाइट कितनी है, ट्रायंगल बेटा ट्रायंगल निकाला हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं ना, एक मिनट, जो एरिया होगा वो कितना होगा पता है, हमें एरिया निकालना है इसका और इसका, इतने का एरिया निकालना है, ठीक है ना, इतने का एरिया निकालना है, तो दो ट्रायंगल बनेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो कितना आएगा, बेस अगर हम इसको मान लें बेस फोर और हाइट, ये वाली हाइट टू प्लस
इसका एरिया निकालें तो बेस 2 और हाइट 4, ये कैंसिल हुआ, यहां से ये कैंसिल, 4 प्लस 4 इट मींस 8 मीटर। समझ में आया? एक क्वेश्चन था इन वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन वन डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड वी सेटिस्फाइज, इसको रफ कर रहा हूं मैं, जो डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशनल मोशन है उसमें इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो सेटिस्फाई होती है 0 लेस देन इक्वल टू वी एंड ग्रेटर देन लेस देन वी नॉट, यानी जो वी है, वी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी और वी नॉट से छोटी होगी। इसी का मतलब, यही कहने का मतलब है इसका। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है आंसर, इसका सेकेंड पॉइंट होगा। हिमांशी आ गया है ये समझ में? आ गया कि नहीं? तब फिर क्या पूछती हो? ये अच्छा नहीं आया, वन डायमेंशनल वैसे नहीं आया, वही मैं पूछ रहा हूं आया कि नहीं आया। तो देखो इसमें जो ऑप्शंस, देखो मेन ऑप्शंस पर ही ध्यान देना है हमें। पहला ऑप्शन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी मस्ट ऑलवेज दैट टेक नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहे? अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, वेलोसिटी एक डायरेक्शन में कर देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में ले सकते हैं, है ना, तो वेलोसिटी तो हमेशा जीरो से बड़ी रहेगी। यहां पे लिखा हुआ है ना वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो हमेशा ग्रेटर रहेगा, जीरो से बड़ा हो सकता होगा। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहां पर सिर्फ ये मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, डायरेक्शन के बारे में इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। क्वेश्चन में कहीं पर भी डायरेक्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। तो जो जब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो क्या डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता? डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, अगर हम किसी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हुआ। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ था द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन टाइम टी सेटिस्फाइज, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ मैग्नीट्यूड इसलिए तो कह रहा हूं, डायरेक्शन भी देखना है ना हमें। अगर ये वेलोसिटी माइनस हो गई तब क्या डिस्प्लेसमेंट माइनस नहीं होगा? तो सिर्फ इसमें जो एक वर्ड लिख दिया ना बेटा ऑलवेज, ये ऑलवेज जो वर्ड लिख दिया जिस वजह से ऐसा हो रहा है, इसी तरीके से थर्ड वाले ऑप्शन में भी यही चीज लिखा हुआ है द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्शन अगर हमने नेगेटिव डायरेक्शन पर ले लिया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। एंड द मोशन हैज नो टर्निंग पॉइंट्स, ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि अगर मोशन टर्निंग पॉइंट्स होगा तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी उसकी फिक्स रहे, डायरेक्शन वहां पर भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जैसे सर्कुलर मोशन में होता है। सर्कुलर मोशन में जब भी बॉडी मूव करती है तो उसके हर एक पॉइंट पर उसके डायरेक्शन चेंज होते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट माइनस वी नॉट टी से लेकर के प्लस वी नॉट टी तक हो सकता है, वैरी करेगा, जैसा सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है।